टू चार्ज मेटल स्फेयर्स ये इस तरह से वैक्यूम में डले हुए 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द स्फेयर्स इज 6 सेंटीमीटर। अ मूवेबल पॉइंट पी लाइज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्फेयर्स अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द स्फेयर ए। एक्स स्फेयर ए से उसका डिस्टेंस पी जो है वो एक पॉइंट। द वेरिएशन विद डिस्टेंस एक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एट पॉइंट ई एट पॉइंट पी इज शोन फिगर 6.2, ये दिखाई दी आपको, ठीक है। एंड देन दे आस्क यू द क्वेश्चन, use figure 6.2 to explain whether the two spheres have charges of the same or opposite sign. So same or opposite sign, yes. And the explanation has been given by Sahir, same as there exists a null point E equals to zero in the graph. राइट अच्छा जी, नाउ अ प्रोटॉन इज एट पॉइंट पी वेयर एक्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। विच ईयर क्वेश्चन? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, मैं बाद में देख के बताऊंगा इसको, ये कहीं के तो है लेकिन मुझे इस तरह से याद नहीं है कहां के है। अच्छा, अ प्रोटॉन इज एट पॉइंट पी वेयर एक्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यूज डेटा फ्रॉम फिगर 6.2 टू डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। तो 6.2 को इस्तेमाल करते हुए और x5 को इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन कैसे निकालने हो? p जो था वो पॉइंट था, एक वेरिएबल पॉइंट था p, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं प्रोटॉन पॉइंट p पे है जो वो 5 सेंटीमीटर पे। अच्छा, तो 5 सेंटीमीटर पहले तो ये निकाल लेते ग्राफ इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो 5 सेंटीमीटर पे ग्राफ इंफॉर्मेशन ये देता है कि आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ जो आ रही है वो -2.5 आ रही है, -2.5। और आप जो है वो अपने ये नहीं दे भूलोगे, ठीक है, 10^3 है ये। सो यू आर गेटिंग इक्वल्स टू -2.5 × 10^3, सही है। अच्छा, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस नेगेटिव, बल्कि इसको लेके ही चलते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, नाउ ई यू नो इज अ फोर्स अपॉन चार्ज, ऐसा ही है। और अगर मुझे ये पता है तो मुझे फोर्स भी पता है क्या है। फोर्स कैन बी गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। सो कैन आई से मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन चार्ज इक्वल्स टू -2.5 × 10^3। एंड अब ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगी? वो आएगी -2.5 × 10^3। देन क्यू इज द प्रोटोन का चार्ज, प्रोटोन का चार्ज इज 1 पॉइंट। मतलब मेरा आंसर गलत था, नहीं एवन, मैंने कहा था रिफाइंड आंसर चाहिए, आपका आंसर गलत नहीं था, इतना नाराज ना हो, मैं कहता हूं मुझे रिफाइंड आंसर चाहिए। अच्छा, और क्यू जो था वो 1.6 × 10^-19, सही है, एंड डिवाइडेड बाय अ मास। प्रोटॉन का मास क्या था, किसी को याद है? द प्रोटॉन का जो मास था क्या हो गया मेरे बच्चों? प्रोटॉन का मास जो था वो था 1 μ, और जो उसका चार्ज था वो था +1 e। तो +1 e इधर आ गया, और 1 μ जो था वो 1.66 × 10^-27 था, सही है। ये सब चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, ये वो रेडियो एक्टिविटी इसमें भी है। अच्छा, इसका आंसर बताओ और मुझे सब ये बताओ, ये पार्ट क्लियर हुआ? -2.4096 आ रहा है या 2.90 समथिंग आ रहा है, 0.51 1.52 2.53 -3 आ रहा है, ठीक है। ग्राफ इंतहाई गंदा कचरा हुआ है। सो -3, और हम इधर भी -3 डालेंगे। सो लेट्स पुट इन -3 इधर, एंड -3 अगर डालते हैं, सो एमन का जो आंसर है वो हल्का सॉफ्ट आया, वी आर गेटिंग -2.9 × 10^11, कुछ ऐसा आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यस, थैंक यू। सो हमारे पास ये आ रहा है, सो वी विल राइट 2.9 × 10^11। हम जो है वो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देते हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग देखोगे कि मैंने ये नोट्स में कोई चीज नहीं लिखवाई ऐसी, सो ये अपना जो है वो एक की पॉइंटर इस पास्ट पेपर के हिसाब से याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पता है E equals to F over Q, ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो E equals to, अब F को खोल दूंगा तो मास अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई क्यू। देन अगर मैं ई क्यू
अपॉन एम कर दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाए, ठीक है। सो इसको दिमाग में रखिएगा, अभी हम बहुत दफा इस्तेमाल करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। टू चार्ज्ड पॉइंट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर 3.1, ठीक है। द वेरिएशन विद डिस्टेंस डी फ्रॉम ए ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई अलोंग द लाइन ए बी इज शोन इन फिगर 3.2। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ग्राफ में ई दिया हुआ है या बी दिया हुआ है, इस केस में ई दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम ई वाले परस्पेक्टिव से देखेंगे। अच्छा, नाउ इस ग्राफ को देखोगे तो यू सी ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, यू डू नॉट सी अ नल पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें नल पॉइंट की मीनिंग क्या थी, इसमें नल पॉइंट की मीनिंग थी यहाँ पे जीरो होता, यहाँ पे इंटरसेप्ट होता, ठीक है। सो वी डू नॉट सी अ नल पॉइंट, हमें नजर आ रहा है जो है वो ग्राफ बकायदा पूरा वक्त ऊपर ही है। सो वी विल वी कॉल्ड देम अनलाइक चार्जेस बिकॉज देयर वाज नो नल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विद नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम ए एंड ट्रेवल्स अलोंग ए बी, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन इमिट किया है विद नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम ए, ए पे रेस्ट में था और ट्रेवल कर रहा है अलोंग लाइन ए बी, सही है। अच्छा, स्टेट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एंड पोटेंशियल वी। तो हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई और पोटेंशियल वी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। थैंक यू शाहजेब। शाहजेब सेज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। और चाहो तो इधर लिख के भी आ जाओ, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। जब भी तो ये तो इस्तेमाल करके हम वी वाले ग्राफ में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, वरना तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का अंदाजा ही लगा सकते हैं, नल पॉइंट का अंदाजा ही लगा सकते हैं। अच्छा, फिर ये आपके कह रहे हैं द एरिया बिलो द लाइन ऑफ द ग्राफ ऑफ फिगर 3.2 रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था, अगर ई में आर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एसेंस क्या था, एरिया ऑफ ग्राफ। तो इफ यू वांट द चेंज इन पोटेंशियल, यानी वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो एरिया ऑफ ग्राफ आएगा फ्रॉम ई और आर का ग्राफ। ई और आर का ग्राफ का एरिया ऑफ ग्राफ ले लोगे तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बोलते हैं यूज फिगर 3.2 टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो बेसिकली इस सवाल में ये जो है वो बहुत पुराना सवाल है, यू नीडेड टू फाइंड द एरिया अंडर ग्राफ ऑफ ए कर्व, सही है। तो यानी इसमें आपको गिनती कर करके क्या करना था, एरिया अंडर ग्राफ ढूंढना था, सही है। बहुत ही खौफनाक और वाहियत सवाल था, लेकिन जो है ये अच्छी बात ये है कि ये पुराना सवाल था तो एग्जामिनर अब आपसे ऐसी जो है वो चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भी आप लोग ये भी देख लेंगे कि इसके सिर्फ गिनती करने के 4 मार्क, ठीक है। हम मार्क इंटीग्रेशन तब होती जब इक्वेशन होती इसकी, मुझे तो इसकी इक्वेशन ही नहीं पता तो मैं इसको कैसे करूं, ठीक है। तो आई कांट इंटीग्रेट इट, ठीक है। और बाकी फिजिक्स में भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो उसमें बाकायदा बच्चों ने बैठ के जो है वो बक्से गिने थे और 4 मार्क्स जो है वो उसको मिले थे जिसने जो है वो 1-2 प्लस माइनस 1-2 तक प्रॉपर दिया डिफरेंस, ठीक है। हम बहरहाल ये पार्ट नहीं कर रहे क्योंकि अब ऐसे फालतू पार्ट्स नहीं आते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द आंसर। आंसर जो है वो इसका क्या है, इसका आंसर है इफ आई एम करेक्ट दैट वाज 530 वोल्ट्स। थैंक यू ज़ेनब, 530। अच्छा, then they're asking you use your answer in B to calculate the speed of electron as it reaches point B. Actually, अब इसको जरा देख लेते हैं। A से हमने rest पे छोड़ा और B पे जाके ये लगेगा, right? अच्छा, so what does that mean? We know B जो है वो एक positive charge होगा. Obviously, B एक positive. एक second. हाँ, B जो है वो एक positive charge होगा. B must definitely be a positive charge. और A जो है मस्ट डेफिनेटली बी अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर A से रेस्ट पे छोड़ रहे हो तो इधर से रिपेल होता हुआ तो पॉजिटिव B की तरफ गया है, ठीक है। जब भी तो ये सब कुछ हो रहा है, सो दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से रिपेल होके इधर B की तरफ आएगा, ओके। नाउ अब इसमें रियलाइज करना क्या है, इधर जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वो थी जीरो, ठीक है। और इधर काइनेटिक एनर्जी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई है, यू हैव सम काइनेटिक एनर्जी। वो कहां से आई होगी, वो सारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से आई होगी, राइट। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। जब उसको मौका मिला वो दूर चला गया उससे,
और दूर कहां गया, पॉजिटिव के करीब आता गया आता गया आता गया। अब जब ये पॉजिटिव के करीब आ गया ये अपनी इक्विलिब्रियम में, ये तो उसके अंदर घुस जाएगा, खत्म कहानी, उसके आगे तो हमने कुछ नहीं देखना, राइट। सो द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल्स टू डेल्टा ईपीई। अच्छा, नाउ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यू नो कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और डेल्टा ईपीई कैसे आता है, डेल्टा ईपी आता है डेल्टा वी इंटू क्यू से। डेल्टा वी अभी हमने निकाला, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस इज डेल्टा वी। सो ये हम इधर उठा के डाल देते हैं 530, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं वो होता है माइनस वन ई। खैर बहरहाल हम जो है वो नेगेटिव नहीं करके डालेंगे, हम पॉजिटिव करके डालेंगे। सो 1.6 इंटू 10^-19 काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल आप ढूंढना चाह रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर लगा लेते हैं हम इसमें, और काइनेटिक एनर्जी आपकी जो इनिशियल है दैट इज जीरो, क्योंकि आप इनिशियली जो थे वो रेस्ट पे थे। ओके, देन लेट्स जो है फाइनलाइज दिस। सो वी स्क्वायर विल इक्वल्स टू 530 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 देन इंटू 2 आचरी, और इस मास से डिवाइड करना है। सो इलेक्ट्रॉन का मास आपकी डेटा बुकलेट में लिखा हुआ है, ठीक है, यू कैन पिक अप द वैल्यू फ्रॉम ओवर देयर। हम मैं अभी जो है वो लिख रहा हूँ वहीं से, दिस इज 9.1 इंटू 10^-31, ठीक है, दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल मास लेना इलेक्ट्रॉन का, ये नहीं जीरो मास लिख के आ गया, जीरो मास से तो कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है, तो एक्चुअल मास लिख के आना, ये वैल्यू आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन लेट्स स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट करके लेट्स गेट आवर आंसर। So what is the answer that we're getting? 1365187.63। अच्छा, then एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो अगर डेसिमल पॉइंट इधर ले आऊंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो दिस इज गोइंग टू बिकम अ 1 point। और कितनी सिग्निफिकेंस देनी है, how much significance did we have? Okay, हमने इधर जो है वो 2 significant value workout करी थी, खैर 2 significant जो है वो बहुत कम हो जाएगी। Again, जो है ये पुराना पेपर है, ठीक है, तो इस पर इतना फोकस नहीं कीजिएगा, ये आंसर ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो इसमें इतना ज्यादा हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मार्क स्कीम और असल जो आपका आज का रूल है वो अलग है। सो 1.37 इन 10^7 एमन ने हमें आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच एमन। अच्छा, नाउ दे आर आस्किंग यू यूज फिगर 3.2 to determine the value of d at which the electron has maximum acceleration, ठीक है। So अब ये parts हैं जो मजे के हैं। How do I deduce from an electric field strength graph acceleration क्या होगी? और ये कब बताऊं कि acceleration maximum कब है? How do I do that? FQ से acceleration निकलेगी, बिल्कुल सही। हमें अभी जो है वो electric field strength और acceleration का relationship निकालना है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, वी लर्न दिस। ई जो है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ऐसा ही था। अच्छा जी, नाउ फोर्स को कैसे लिख सकते हो, फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन से अपॉन क्यू। तो अगर मैं ई क्यू अपॉन एम कर दूं इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो ये देखोगे कि ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट है। भाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या था, कॉन्स्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, वो भी कॉन्स्टेंट है। So can I say that electric field strength is directly proportional to acceleration? ऐसा कह सकता हूँ। So basically, जैसा electric field strength है, जैसी electric field strength है, वैसा ही acceleration वाले के भी बारे में हम comment कर सकते हैं। So we need to basically find out for a maximum acceleration, when is the electric field strength the maximum? तो इस graph में से किस distance पे electric field strength maximum दिख रही है हमें? A, we are having a maximum electric field strength at the distance of zero. ठीक है, मुझे लग रहा है सिर्फ मैं और एमन अब पढ़ने लगे हैं। So D equals to 0 centimeter पे you have a maximum electric field strength. ठीक है, बाकी सारी electric field strength छोटी थी, तो हमारे पास मैंने क्या लिख दिया, acceleration D zero पे ही जो है वो सबसे बड़ी होगी। I hope सबको clear हो रहा हो। Let's take a check. Without any further calculation, describe the variation with distance of the acceleration of electron. तो इसकी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे दूं लुकिंग एट दिस ग्राफ, वी जस्ट वर्क दिस आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसी है वैसी एक्सेलरेशन है। सो क्या कमेंट कर सकते हैं इसको, वर्ड्स में कैसे लिखूं? वेरी गुड, एज इन इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगी,
मिनिमम तक डिक्रीज करेगी और फिर इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस, बिल्कुल करेक्ट, 110% करेक्ट आज इन। सो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू ए मिनिमम एट कहां पे, एट 4 centimeters एंड देन इंक्रीजेस टू ए मैक्सिमम, नहीं एंड देन इंक्रीजेस, बस सही, ये पता नहीं कहां से ले आया, एंड देन इंक्रीजेस, खत्म कहानी, ठीक है। सो थैंक यू अजैन, और अजैन कह रहा हूँ, थैंक यू अजैन, और आई होप आपको जो है वो ये सवाल क्लियर हो। लेट्स डू दिस, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। अच्छा, नाउ टू स्मॉल चार्ज्ड मेटल स्फीयर्स ए एंड बी आर सिचुएटेड इन अ वैक्यूम, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स इज 12 सेंटीमीटर्स एज शोन इन फिगर 4.1, सही है। द चार्ज ऑन ईच स्फीयर मे बी अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, पॉइंट पी इज अ मूवेबल पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स एंड इज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ए। The variation with distance x of the electric field strength E at point P is shown in figure 4.2. आपको electric field strength with distance जो है वो बना के दे दी, सही है। अब आपसे पहला सवाल ये पूछते हैं, state the evidence provided by figure 4.2 for the statements that the spheres are conductors. तो हमें ये कैसे नजर आ रहा है कि sphere जो है वो conductors है इस graph में से? Zero field strength inside conductor. Very good, Zainab. So inside of the sphere, you have electric field strength zero. So therefore, these must be conductors, right? अगर conductors नहीं होते, तो electric field strength बीच में, in the charge zero नहीं होती, ठीक है? So the evidence is that electric field strength is zero inside of charge. Okay, now second thing, the charges on the spheres are either positive or both negative. ठीक है, ये कैसे पता चल रहा है कि charges, अच्छा evidence कैसे पता चल रहा है कि दोनों, या तो दोनों like charges हैं? How are we getting the idea कि दोनों like charges हैं इस graph में से? Null point, perfect. So because there is a null point, so therefore you see electric field strength wale graph mein null point kaise hota hai? Wo zero pe intersect karti hai, ek line hogi. So you see zero pe intersect kar rahi hai line. So therefore these two must be like charges. Theek hai? So existence of a null point, electric field strength equals to zero. In the graph, ठीक है, और इसका मतलब एक और चीज भी लिख सकते हो, एक और चीज में जरा पॉइंट आउट कर दूं, क्या लिख सकते हो, वो ये लिख सकते हो कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी सी the direction of the electric field strength flips. What do I mean by that? भाई हमने बात कही थी ना, अगर यहां पे negative होता और यहां पे भी negative होता तो दोनों अपने अंदर खींच रहे थे, right? So दोनों की direction क्या आती? Opposite आती. इसी तरह अगर जो है वो यहां पे और यहां पे positive positive होते, राइट सो क्या होता कि दोनों अपने आप से दूर फेंकते, तो तब भी डायरेक्शन क्या आती? ऑपोजिट आती. लेकिन अगर अगर यहां पे नेगेटिव होता तो ये दूर फेंक रहा है और ये अपने पास ले रहा है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होती, वो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह जाती, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर पॉइंट दैट यू कैन सी. बाकी मैं ये बोलूंगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का सवाल था, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ नल पॉइंट इन द ग्राफ, एक मार्क मिलता है इस पे, ठीक है, इस पॉइंट को फिर भी लेके आना, एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, द इंडिकेशन ऑफ अ नल पॉइंट शोज दैट देयर इज दैट दे बोथ आर लाइक चार्जेस, ठीक है, बट
ये जो दो मार्क्स वाले जो सवाल होंगे उसमें ये लिख के आना, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ दे आर आस्किंग यू स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडिएंट एट अ पॉइंट. तो यू ऑल नो, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, माइनस डी वी बाय डी आर, सही है? अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज के ये वाला सवाल पढ़े. Use figure 4.2 to state and explain the distance x at which the rate of change of potential with distance is maximum and minimum. तो आपने क्या बताना है, figure 4.2 को लेते हुए क्या करना है, आपने explain करना है किस distance पे rate of change of potential with distance is a maximum and किस distance पे it is a minimum. So इसमें से मैं rate of change of potential with distance कैसे बताऊं कब maximum है कब minimum है, कोई आइडिया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस क्या है. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट? हमने अभी तो देखा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, माइनस डीवी बाई डी आर है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस क्या है? इट इज बेसिकली एन ई. सो बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं तो ये बता दो कि ई मैक्सिमम कब है और वी मिनिमम कब है. तो इतना घुमा के सवाल पूछा हुआ है, हालांकि बहुत क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वेर इज ई मैक्सिमम एंड वेर इज ई मिनिमम. ई का ही ग्राफ दिया हुआ है, हम आराम से पढ़ सकते हैं ग्राफ. अच्छा, दूसरी चीज ये अक्सर बच्चे जो है वो इसमें मिस्टेक कर देंगे कि ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे इसको लेके आ जाएंगे कि ये वाली मैक्स वैल्यू है, इधर जो डिस्टेंस आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है और इधर जो डिस्टेंस आ रहा है वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है? वेक्टर्स में याद रखिएगा, वेक्टर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब जो है मिनिमम या मैक्सिमम के मायने नहीं रखता. ये बेसिकली बताता है आपको डायरेक्शन, ठीक है? सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, ये सिर्फ ये बताया जा रहा है आपको कि इस तरफ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कन्वेंशन बनाई थी राइटवर्ड इज पॉजिटिव, तो इस पर सिर्फ ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यहाँ पे बाकायदा पूरे इस इधर पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू इधर की तरफ थी, राइट की तरफ, और जब ये फ्लिप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो फील्ड लाइन है वो बेसिकली लेफ्ट की तरफ है, ठीक है? सो वेक्टर्स में पॉजिटिव नेगेटिव को मैक्सिमम मिनिमम के मायने नहीं लीजिएगा. वेक्टर्स में पॉजिटिव नेगेटिव को वही रहने दीजिएगा जो हमने पढ़ा है, डायरेक्शन ही रहने दीजिएगा, ठीक है? सो अगर अब मुझे जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, सो हम जो है वो यहां निकाल लेंगे 11.4 पे, बिल्कुल सही है. सो दिस इज एन 11.4, इधर मैं लिख लेता हूं. So max at 11.4, क्यों? As max at 11.4 as electric field strength is rate of change of potential. Rate of change of potential, yes, as in yahi sawal hai, with distance. And it is a vector quantity. ठीक है, तो अगर आपने यहां पे लिख दिए सारी जो है, मैंने इस पार्ट में देखो दोनों के दो मार्क्स हैं और निकाले दोनों में स्टेट एक्सप्लेन करो. मैंने इसमें ही बता दिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल है विद डिस्टेंस और वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैथ 11.4. तो आपको इधर पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें अब ये वाली वैल्यू उठा लेंगे 8 वाली, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, जीरो हो रही थी, ठीक है? जीरो इज द मोस्ट मिनिमम यू कैन गेट. So, इधर जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक एट 8 सेंटीमीटर एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो, राइट? सो हमने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया. कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई कंफ्यूजन? कंडक्टर वाले जीरो नहीं ले सकते, हाँ, यू कैन ऑल्सो टेक ये वाले जीरो, बिल्कुल सही शाहजेब, यू कैन ऑल्सो टेक दिस. आप यहाँ से भी कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ से भी कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, सब एक्सेप्टेबल है. आप ये भी बोल सकते थे कि जीरो से लेके जो भी आ रहा है 1 point something और 11.4 से लेके 12 तक, इनमें से भी कोई वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो वाली. तो इट इज अप टू यू, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो वाली यहाँ पे उठा के लिख, सही है? वेरी गुड पॉइंट शाहजेब, मेरे दिमाग से निकल गया था. अच्छा, सो आप लोग जो है वो देख रहे होंगे कि एक पॉइंट पी है, ठीक है? पॉइंट पी बोल रहे हैं इज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल अलोंग द लाइन जॉइनिंग द अल्फा पार्टिकल टू द प्रोटॉन. द वेरिएशन विद डिस्टेंस एक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपको इस तरीके से दी हुई है, सही है? ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है एक उस चीज की, ठीक है? दे हैव गिवन यू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर वन चार्ज और एक दूसरे चार्ज की उन्होंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दी है, सही है?
अच्छा नाउ द वेरिएशन विद डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोटॉन ड्यू टू द प्रोटॉन अलोन इज आल्सो शोन इन फिगर 4.2। अल्फा पार्टिकल के साथ भी दी हुई है और प्रोटॉन की वजह से भी, दोनों की ही आपको दी हुई है, सही है। अच्छा नाउ सबसे पहले तो वो आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन व्हाई द टू सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैव ऑपोजिट साइंस। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऑपोजिट साइंस क्यों हैं, हम इसके बारे में क्या आंसर लिखेंगे। अच्छा सो दीज आर नॉट अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्जेस नहीं आएंगे। एक अल्फा पार्टिकल है जो भी एक प्लस चार्ज का होता है और एक प्रोटॉन है जो खुद भी एक पॉजिटिव चार्ज का। सो दीज टू आर लाइक चार्जेस और बिल्कुल देखो सेंस भी बना रहा है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम हमाल, बिल्कुल देखो सेंस भी बना रहा है। सेंस क्या बना रहा है कि ये वाला प्रोटॉन कह रहा होगा, सपोज करते हैं यहाँ पे आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहता है कि मुझसे दूर जाओ। अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो अल्फा पार्टिकल भी कहता है मुझसे दूर जाओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये याद रखना है कि यू ऑलवेज ड्रॉ यूजिंग अ कन्वेंशन। तो आपने अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिव दिखाई लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से ही उस प्रोटॉन की ऑपोजिट हो गई, तो उसका पूरा आपने ग्राफ जो है वो नेगेटिव बनाया, ठीक है। सो ये जो है वो याद रखेंगे। दूसरी बात, ये जो है आइडेंटिफाइंग फैक्टर क्या था कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, वो आइडेंटिफाइंग फैक्टर ये था कि बीच में दोनों के कहीं ना कहीं नल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। जब इनका नेट बनाने जाओगे तो बीच में देखोगे कहीं ना कहीं नल पॉइंट आ रहा होगा, सही है। सो नल पॉइंट की इंडिकेशन क्या है, नल पॉइंट की इंडिकेशन ये होती है कि वो लाइक चार्जेस है, सही है। सो दीज टू आर लाइक चार्जेस, बस हम ये इसलिए लिखेंगे ऑपोजिट साइंस क्यों है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सही है। सो हम ये लिख लेते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Actually, electric field strength is a vector quantity. The fields of both charges point in opposite directions. इसलिए जो है वो आपने ग्राफ को ऐसा बनाया है। Actually, now next अब क्या है कि on figure 4.2 sketch the variation with x of the combined electric field due to the alpha particle and the proton for values x 4 micrometer से लेके 16 micrometer तक। तो अब देखोगे ग्राफ में आपको जो है वो दोनों के इंडिविजुअल दिए हुए हैं एंड यू नीड टू मेक द नेट। अच्छा अब अगर इसको देखोगे कि अगर हमें अभी नेट बनाना है तो नेट के लिए तो सबसे पहले जो है वो एक पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि देखो यहां पे अगर 12 पे देखोगे तो यू सी के नीचे भी उतना है और ऊपर भी उतना ही है। सो वी आर गोइंग टू मेक दी नल पॉइंट ओवर हियर। इधर जो है वो हमारा तकरीबन नल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला है कहां से कहां तक, उन्होंने बोला है 4 से लेके 16 तक। सो मैं जो हूं वो रफ ड्राइंग बना रहा हूं, 4 से लेके 16 तक जो है वो तकरीबन जो है वो कुछ ऐसा आपका जो है वो बनेगा समथिंग लाइक दिस। So, आपने इस तरह से अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो मुश्किल सवाल नहीं था, सिर्फ ये था कि कुछ आइडेंटिफाइंग चीजें इसमें बतानी थी और ये आइडेंटिफाई करना था कि हमें थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा अब तक। The centers of two charged metal spheres A and B are separated by a distance of 44 centimeters as shown in figure 4.9. 44 centimeters is center separated by A or B. A movable point P lies on the line joining the centers of the two spheres. Point P is a distance x from the center of sphere A. The variation with distance of the electric potential at point P is shown in figure 7.2. तो अब जो है वो electric potential graph दिया हुआ है with respect to x, सही है। अच्छा, use figure 7.2 to state and explain whether the two spheres have the charges that are same or opposite side. So, looking at this graph, जो दो charges हैं ये A और B, ये दोनों same charges हैं या opposite charges हैं? जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ये बताना कि दोनों like हैं या unlike हैं, एक point है, एक तरीका है बताने का, और वो है null point identify करना।
ठीक है। नल पॉइंट कब आता है? नल पॉइंट के लिए ये याद रखें कि नल पॉइंट हमेशा दो लाइक चार्जेस के बीच में आएगा, ठीक है। सो इफ यू रिमेम्बर कि आपका ये जो है वो ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है कि भाई दो लाइक चार्जेस के बीच में नल पॉइंट आएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, और जब दो अनलाइक होंगे तो बीच में कोई नल पॉइंट नहीं आएगा, सही है। अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट दैट ग्राफ, अब आप उस ग्राफ को अगर देखोगे तो वो ग्राफ है वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वोल्टेज है, पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब पोटेंशियल वाले ग्राफ की ये बात याद रखनी है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो माइनस डी वी बाई डी आर है, राइट, दैट इज अ माइनस डी वी बाई डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी जाएगी थ्रू द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, सही है। अब पोटेंशियल वाले ग्राफ में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ग्रेडियंट कहीं जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यू नीड टू लुक एट कि अगर ग्रेडियंट कहीं जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर आप यहां देखोगे तो यस वी डू सी कि एक पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट आ रहा है, यानी इधर ग्रेडियंट जीरो हो रहा है। अगर ग्रेडियंट जीरो हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो गई है तो उसका मतलब क्या है, ये नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट आ गया तो दैट मीन्स दीज टू मस्ट बी लाइक चार्जेस, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। हमेशा किस चीज को देखेंगे, हमेशा जो है वो नल पॉइंट को देखेंगे, और कोई पॉइंटर कोई खास नहीं है देखने का, सही है ना। ग्राफ्स की शेप को चीजें याद रखें। अच्छा जी, सो सेम साइन एज देयर एग्जिस्ट अ नल पॉइंट इन द ग्राफ, और उनको ये भी क्लियर कर दें कि नल पॉइंट कैसे देखा आपने, आपने देखा ग्रेडियंट इक्वल्स टू जीरो, ताकि वो किसी भी तरीके से आपके मार्क्स ना काट सके। अच्छा, अब अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ए, द पार्टिकल मूव्स फ्रीली फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर ए टू द सरफेस ऑफ स्फीयर बी, डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द वेरिएशन इफ एनी विद डिस्टेंस एक्स ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 12 टू एक्स इक्वल टू 25, सही है। तो सबसे पहले तो आपसे ये बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव मतलब कोई क्वांटिटी देने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिक आंसर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लफ्जों में बताना है। क्वालिटी का मतलब क्वालिटीज बताना, क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटीज बताना, सही है। अच्छा, तो 12 टू 25 यानी हमें जो है वो अभी बात करनी है यहां से लेके तकरीबन यहां तक की, यहां से लेके यहां तक के ग्राफ के थ्रू आपको स्पीड के बारे में क्या पता चला, राइट, स्पीड का पूछा है। सो स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो इधर से लेके इधर तक स्पीड के बारे में क्या बोल सकता हूं मैं। अच्छा भाई, दो ही बच्चे जो हैं वो अभी तक उन्होंने जवाब दिया है, तो मेरे पास आंसर आया है स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, नाउ अब दैट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्यों है वो रॉन्ग आंसर, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू नीड टू सी, ये है वोल्टेज यानी पोटेंशियल का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले तो मैंने ये सोचना है कि मैं स्पीड का अंदाजा कैसे लूं, पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्टेंस के ग्राफ में से हाउ डू आई टेक द स्पीड का अंदाजा, राइट। कुछ ना कुछ तो हमें रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, सो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट आउट फर्स्ट वर्क ऑफ दैट रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम वो देखें कि अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अभी जो है वो हमारी जब लास्ट क्लास हुई थी, आई डिड दिस फॉर्मूला विद यू, एफ ओवर क्यू E will equal to F over Q. तो अगर मैं F को भी खोल दूं, जो mass upon mass into acceleration upon Q हो गया, so मैं acceleration का formula दे सकता हूं through EQ upon M. तो अब शायद मैं जो हूं वो अंदाजा ले सकूं। अंदाजा कैसे लगेंगे, लेंगे Q और M सेम होंगे, राइट। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यानी उसका चार्ज और उसका मास कॉन्स्टेंट होगा। तो आई होप वी ऑल अग्री कि हम ये कह सकते हो कि एक्सीलरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, नाउ एक्सीलरेशन तो बच गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे पचलेगी, वो पचलेगी थ्रू द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। सो जो ग्रेडियंट बोल रहा होगा वो ही एक्सीलरेशन के बारे में बात हो रही होगी, सही है। अच्छा, नाउ शुरू में वो बोलते हैं कि इट वॉज एट रेस्ट, ठीक है, इट वॉज एट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर ए, तो यानी सरफेस ऑफ स्फीयर ए यानी यहां पे इट इज एट रेस्ट, सही है। अच्छा,
नाउ इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है, ये टेंडेंस बना रहा हूं कि इट इज डिक्रीजिंग टू जीरो। ठीक है, पहले जो थी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टेंट आपकी, ठीक है, पहले आपकी कॉन्स्टेंट आ रही, यानी आपकी कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, सही है, सॉरी कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जीरो ग्रेडिएंट मीन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं, यानी इसके अंदर तो वो कहीं भी मूव नहीं कर। अच्छा, जब यहां पे देख रहे हो लेकिन, तो यहां पे आपको नजर आता है कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो है, एक्सेलरेशन कैसी है वो नजर आ रही है आपको, एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज कर रही है, राइट, एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है, कहां तक डिक्रीज करती है, जब तक वो जीरो नहीं हो जाती, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू अ जीरो। अच्छा नाउ देखो, शुरू में तो जीरो ही थी, एकदम से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और एक्सेलरेशन जा रही है जीरो तक, सही है, सो एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वेलोसिटी जो पहले जीरो थी वो इंक्रीज करना शुरू करेगी, राइट, सो आई विल राइट कि भाई वेलोसिटी इंक्रीजेस, velocity increases because there is an acceleration, right? There is an acceleration over here. लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा, acceleration जो है वो कम होती जा रही है, तो velocity increases at a decreasing rate. Rate of change of velocity क्या था? Acceleration था, तो मैंने ये बात करी, भाई velocity increase करती है at a decreasing rate, यानी at a decreasing acceleration. यहां तक सबको बात clear? कोई problem तो नहीं? Once more, Hamad, कहां से once more? ये बात समझ आ गई कि acceleration जो है directly proportional electric field strength के है ना, तो अगर acceleration electric field strength के directly proportional है, ठीक है, तो हम लगाते हैं एक्सेलरेशन का अंदाजा, सही, एक्सेलरेशन का अंदाजा लगा रहे हो अगर इस ग्राफ में से, तो वो पता चलेगा थ्रू द ग्रेडियंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा रहे हो ग्रेडियंट से, तो एक्सेलरेशन का भी अंदाजा ग्रेडियंट से निकालोगे। अच्छा, हमें ये नजर आता है कि एक्सेलरेशन जो है ग्रेडियंट्स अगर बनाओगे तो ग्रेडियंट्स जो है वो डिक्रीज करते हैं टू अ जीरो, सही है, द ग्रेडियंट्स आर डिक्रीजिंग टू अ जीरो। अच्छा, अगर अभी फिलहाल ये एक पार्टिकल था जो यहाँ पे रेस्ट पे था, यानी उसकी वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, तो एक एक्सेलरेशन होने की वजह से जीरो से तो इंक्रीज करेगी ना, जीरो से इट विल इंक्रीज इन सम डायरेक्शन, द वेलोसिटी विल इंक्रीज, सही है, तो अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करें, तो हम ये बोलेंगे भाई स्पीड इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्पीड कैसे इंक्रीज कर रही है, भाई स्पीड इंक्रीज कर रही है एट अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, ग्रेडियंट्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की मैंने क्या लिखा, डिक्रीजिंग रेट, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, इसको हम स्पीड ही कर देते, सही है, आगा सही है। अब हमारे पास आता है पासिस थ्रू x 26 सेंटीमीटर्स, यानी ये इस पॉइंट को जो है वो पास करती है, 26 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को पास करती है, तो आपको इधर नजर आ रहा है एक्सेलरेशन आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है, क्यों जीरो थी, बिकॉज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो गई, तो अगर ये बिल्कुल इस पॉइंट को पास करेगी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब इस पॉइंट पे जीरो हुई है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम कैसे, आपकी जो स्पीड है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, क्योंकि देखो अगर आगे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो बड़े गौर से देखो, इधर सारे ग्रेडियंट्स क्या है, नेगेटिव है, तो दीज ऑल आर नेगेटिव एक्सेलरेशन, सही है, लेकिन अगर इधर देखोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही बस एक अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, इधर देखोगे, इधर सारे ये पॉजिटिव ग्रेडियंट्स है, ठीक है, मैं ग्रेडियंट्स लिख रहा हूं, ये जो है वो सारे नेगेटिव ग्रेडियंट्स थे जो डिक्रीज कर रहे हैं, इधर सारे पॉजिटिव ग्रेडियंट्स हैं टेंजेंट बना के देखोगे जो इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी अगर एक्सेलरेशन की पहले एक डायरेक्शन थी, अब वो डायरेक्शन इस पॉइंट पे आके चेंज हो गई है, सही है, तो जो वेलोसिटी बढ़ ही थी, अब एक्सेलरेशन कह रही नहीं वापस आ जाओ, तो वो जो वेलोसिटी थी वो आपकी जो इंक्रीज हुई थी वो अब इस पोर्शन में क्या हो जाएगी, इस पॉइंट में आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है जब डिक्रीज करने से पहले एक पॉइंट आएगा कि भाई वो अपने मैक्सिमम में पहुंच जाए, राइट, जब वो डिक्रीज करना शुरू हुई है दोबारा से, तो बीच में जो 26 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है कि इंक्रीज हुई मैक्सिमम पहुंची, अब डिक्रीज करना शुरू करें, सो एक्स इक्वल्स टू 26 पे द स्पीड इज मैक्सिमम।
then moves from x equals 21, 27 to 31 centimeters. So 27 से लेके 31 centimeters तक जब जाती है, तो the speed decreases. लेकिन अच्छा, और मैं इधर स्पीड लिख देता हूँ, इज मैक्सिमम एज एक्सेलरेशन इज जीरो. ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, फिर स्पीड डिक्रीजेस. इसमें भी रेट के बारे में बता दें, क्योंकि ऊपर हमने बताया था. जो इधर नजर आ रहा होगा, सारे ग्रेडियंट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं. द ग्रेडियंट पहले फ्लैट था, फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया और इंक्रीज किया. सो स्पीड डिक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. आई होप यहां तक बात क्लियर हो. अब मुझे कौन बताएगा कि स्पीड जो है वो 32 सेंटीमीटर पे कैसी होगी. ठीक है, 32 सेंटीमीटर का पहले तो अंदाजा ले लेते हैं. 31, 32 जो है वो आपका आ रहा है यहां पे. ठीक है, बिल्कुल यहीं पे आ रहा है, इस पॉइंट पे. सो 32 पे क्या बोलूंगा मैं. ओके, सो आंसर्स आए हैं. अच्छा, बिल्कुल अगर 32 पे देखते हो तो अभी भी देखोगे कि ये स्पीड जो थी वो डिक्रीज करी. राइट, इफ आई लुक एट दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है, तो स्पीड इज स्टिल डिक्रीजिंग. ठीक है, लेकिन फिर एकदम से होगा कि स्पीड कौन सी जाएगी. ठीक है, सो लेट्स राइट दैट ओवर हियर. स्पीड इज स्टिल डिक्रीजिंग. बट विल बिकम कॉन्स्टेंट. स्पीड इज स्टिल डिक्रीजिंग बट विल बिकम कॉन्स्टेंट. वाई? बिकॉज इधर से अगेन देखोगे आपकी एक्सेलरेशन जो है वो हो गई है जीरो. जब एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो यानी स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट. अच्छा, नाउ द पार्टिकल हैज चार्ज दिस एंड मास दिस, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल. तो यूजिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन और उसका चार्ज और मास, हाउ कैन वी वर्क आउट द मैक्सिमम स्पीड. अगर सिर्फ कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर वो ये पूछते हमाल, अगर वो ये पूछते कि यहाँ पे बताओ, इस रीजन में बताओ, राइट, अगर वो इस लाइन पे कहीं भी पूछते ना, एग्जैक्टली ऑन दिस लाइन, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं हाँ वो हो गई बात. ठीक है, मसला क्या है, ये इनसाइड ऑफ स्फेयर ए है. ठीक है, ये स्फेयर ए का अंदर का है, ये स्फेयर बी का अंदर का है. ठीक है, तो हमने देखा था पोटेंशियल्स कॉन्स्टेंट जाते हैं इनसाइड ऑफ स्फेयर, तो वो उसके अंदर तो जा नहीं सकता. ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर पर जो पहुंचा है ये अभी भी डिक्रीज ही कर रहा है. हमारी उम्मीद ये है कि अगर ये इसके अंदर घुस जाएगा तो कॉन्स्टेंट जाएगी, लेकिन स्पीड इज स्टिल डिक्रीजिंग इज द मेन पॉइंट. ठीक है, क्योंकि वो इसके अंदर जा नहीं सकता, इस पार्टिकल के अंदर घुस नहीं सकता, तो स्पीड इज स्टिल डिक्रीजिंग, लेकिन अगर उसको मौका मिलता तो वो कॉन्स्टेंट हो जाता. सही है. अच्छा जी, खैर, द पार्टिकल हैज चार्ज दिस मच एंड मार्क्स दिस मच, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल. मैक्सिमम स्पीड कैसी निकलेगी? मैक्सिमम स्पीड ऐसी निकलेगी कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो बनी है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी. सो लेट्स राइट दैट के डेल्टा ईपीई विल इक्वल्स टू डेल्टा के ई. अच्छा जी, नाउ मैक्सिमम स्पीड कहां पे आ रही थी? मैक्सिमम स्पीड आ रही थी इस पॉइंट पे, क्योंकि उसके बाद तो उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया था. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट, ये जो है वो 26 सेंटीमीटर. अच्छा जी, 26 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है हमारे पास, यही आ रही है. सो 1.6 माइनस 1.4 डिवाइड बाय 10, सो हमारे पास आ रही है 1.42 1.44, नहीं 1.43 आ रही है, तकरीबन 1.43 आ रही है. ठीक है, सो ये 1.43 आ रही है. अच्छा जी, नाउ और आपकी जो आपने जहां से जर्नी स्टार्ट करी थी, ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू आपकी है, ये भी वर्कआउट करनी पड़ेगी. सो दिस इज, अच्छा जी, नाउ 2.2 से दिस इज अ 2.14. ठीक है, ये सब मैं कैसे कर रहा हूं? मैं सिर्फ ये ऐसे कर रहा हूं कि मैंने एक स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्कआउट कर लिया. ये स्मॉलेस्ट डिवीजन आ रही है 0.02 की. ठीक है, तो अभी मैंने इसमें से 2.2 में से 3 0.02 माइनस किए, मेरे पास ये आ गया,
और मैंने इधर जो है वो 0.02 और 0.02 का हाफ, तो 0.03, तो 1.4 में 1.43 आ गया। सो आई वर्क दिस आउट दिस वे, तो दिस इज अ 2.14 एंड दिस इज 1.43, आपका चेंज इन वोल्टेज जो है वो इतना आया। ठीक है, सो लेट्स गो ओवर हियर बैक अगेन। आपको पता है कि आपका जो ये आएगा वो आएगा डेल्टा वी इंटू क्यू से, जो बराबर होगा हाफ एम बी स्क्वायर के। अच्छा, नाउ डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है आपका 2.14 माइनस 1.43, सो 2.14 माइनस 1.43 हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मैं अभी जो है वो वी एफ वी आई वाली चीज नहीं कर रहा, काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके चार्ज में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 3.2 इंटू 10^-19 इक्वल्स टू हाफ, देन मास आपका ये आ गया 6.6 इंटू 10^-27 और हमें ढूंढना है वी स्क्वायर। ठीक है, मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने कन्वर्जन सारी कर दी हो। ये 10^4 था, हमें तो कन्वर्जन करनी पड़ेगी। चार्ज हमने सही डाला है, मास हमने सही डाला है, बाकी सब डाला है, बस ये कन्वर्जन कर देते हैं, 10^4 है ये। सही है, सो 2.14 माइनस 1.43 and then into 10^4. So can anyone give me this answer? 8.297 into 2. Okay, so this is 8.297 into 10^5, which is 8.3 into 10^5. So yeah, let's give it to 8.3 काफी है, बस 2 सिग्निफिकेंट काफी है।